चलो बच्चों, तो आज साइंस का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें। कल जो हम लोग चैप्टर देख रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझ रहे थे, कल हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में समझा। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं वो समझा, बराबर ना? जब दो केमिकल्स मिक्स होकर कुछ नया बनाते हो तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वो पूरी प्रोसेस वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में कैसे लिखते हैं वो भी हमने समझ लिया था। वर्ड इक्वेशन में, सेंटेंस इक्वेशन, सिंबॉलिक फॉर्म में भी इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो हमने समझा था। और आज हम लोग जो नया टॉपिक देखें इसमें चैप्टर में, तो वो नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारे चैप्टर का मेन पॉइंट और बहुत सारे टाइप्स हमें इसमें समझने हैं, जो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग टाइप। केमिकल रिएक्शन हमने समझा था ना, वो पूरी प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स आपस में ऐड होके कोई नया मटेरियल बनाते हो, तो वो पूरी प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन बहुत तरह से होता है, उसके काफ़ी टाइप्स हैं, जो अब हम लोग इस वीडियो में और आगे के चैप्टर में भी जो है वो ये इनके टाइप समझेंगे। जिसमें सबसे पहला टाइप हम लोग समझेंगे वो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब वो कहते हैं, नाम से ही पता चलता है ना, कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा मटेरियल कंबाइन होते हो तो वो कॉम्बिनेशन कहते हैं। डेफिनेशन भी यही बताती है कि सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनता हो फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल आपस में मिक्स होके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनता हो, तो उस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सा है कि जैसे अगर आप लोगों को इसका सबसे सिंपल रिएक्शन हमें पता ही है कि पानी में आप नमक मिक्स करो, वाटर एंड सॉल्ट, तो उसका सॉल्ट सॉल्यूशन बना, ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। पानी में नमक मिक्स कर दो तो बनता है कि नहीं सॉल्ट, ये सॉल्ट सॉल्यूशन, तो वो भी एक तरह का क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ऐसे ही कुछ यूजफुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हम लोग इसमें समझें। जैसे कि सबसे पहला है कि कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ आप ऐड करो, वाटर के साथ अगर ऐड करो तो वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बराबर ना। CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड, उसे आप H2O वाटर के साथ ऐड करो तो CaOH2 मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जैसे हम लोग कहते हैं स्लैक द लाइम। यही पूरी प्रोसेस कहते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक द लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब ऐड होता है तो वो स्लैक द लाइम बनाता है, जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और उसमें बहुत हीट जो है वो ये प्रोड्यूस होती है, बराबर। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो आप लोगों को पता है कि एक चूने जैसा आता है, घर पे जब कुछ जो है वो कलर काम वगैरह होता हो ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई उसमें जो है जो चूना लेके आते हैं उसमें थोड़ा सा जो है वो ये पानी डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो वो वाइगरसली काफ़ी जो है वो ये धुएँ के साथ, हीट के साथ जो है वो ये तैयार होता है, ठीक है ना, वो कहलाता है स्लैक्ड लाइम, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चलो पहले ये समझ लें कि देखो, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर ऐड किया तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई दो चीज़ों को मिक्स करके एक चीज़ बनाई गई, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है, बराबर। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग समझेंगे कि उसी कोई आगे कहे कि सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला ना, स्लैक लाइम जो मिलता है, इट प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। ये जो स्लैक लाइम होता है उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है ना, भाई दीवारों को जो है वो वाइट कलर करने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। फिर जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को है ना हम लोग जब दीवार पे लगाते हैं ना, तो हवा का कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर मिक्स हो जाता है, बोले वो जो चूने का कलर होता है जब हम लोग दीवार पे लगाते हैं, जब वो सूख जाता है धीरे धीरे,
तो हवा का कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर मिक्स होता है और वो दीवार के ऊपर क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। मतलब पहले जो है वो ये चूना हुआ है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, स्टेप समझना बेटा, पहले कैल्शियम ऑक्साइड था, उस कैल्शियम ऑक्साइड में आप पानी अगर आप ऐड करते हो ठीक है, तो धुएं के साथ जो है वो ये क्या तैयार होता है, स्लैग्ड लाइम, जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर जब आप दीवार पे लगाते हो, कलर करते हो, तो हवा का कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स होता है बराबर, और वो दीवार पे क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स, बराबर ना। 2-3 दिन बाद जब धीरे धीरे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता जाता है पूरी दीवारों पर, फिर वो दीवार पे एक तरह की शाइनी फिनिश आती है, एक तरह की चमक आती है, तभी तो वो रंग करने से जो है वो ये पूरी दीवार चमकने लगती है ना, बराबर ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होता है हवा के, तो दीवार पे बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से वो चमक हमें दिखाई देती है। इसी कोई इक्वेशन की तरह समझो तो ऐसे आता है, ये स्लैग्ड लाइम मतलब कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हवा के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, बराबर ना। जो ये शाइनी वॉल्स पर जो ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक तरह की लेयर बन जाती है और H2O वाटर अलग हो जाता है, बराबर। तो ये भी देखो, स्लैग्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, तो ये भी दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनती है, तो इसे भी हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या कॉम्बिनेशन का दूसरा एग्जांपल देखो, एक दो जनरल एग्जांपल दूसरे हैं, तो जैसे पहला है बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, तो जैसे कोल कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन से ऐड करो, कोई भी चीज़ जलती है इसका मतलब उसमें क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन ही ऐड हुआ ना। तो जब कोल को ऑक्सीजन के साथ ऐड करो तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन ऐड होता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। या तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना, ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, H2 हाइड्रोजन एंड O2 ऑक्सीजन ऐड होके बनता है H2O, बराबर ना, वाटर बनता है। ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि दो चीज़ें ऐड होके दूसरा बनता है। यहाँ तो अगर आपका हो कि बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस, मिथेन तैयार होना है ना, सॉरी मिथेन का जलना, बर्निंग होना, तो CH4 मिथेन को O2 ऑक्सीजन के साथ ऐड करें, मतलब उसको अगर जलाया जाए तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O वाटर अलग होगा, बराबर। तो ये मिथेन का जलना वो भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हमने जैसे पहला टाइप हमने समझा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका मतलब ये कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा मटेरियल आपस में मिक्स होके कोई नया मटेरियल बनाते हो तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, बराबर। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जनरली दो टाइप आते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो चीज़ें आपस में मिक्स करके नया मटेरियल बनता है, उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जनरली दो टाइप आते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है वो आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और पहला टाइप ये भी ध्यान देना, केमिकल रिएक्शन का ये भी एक टाइप है जिसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स वो कि एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज हीट एंड कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग टू राइज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो कहते हैं विच रिलीज हीट, मतलब जिस रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती हो, मतलब जब कोई दो चीज़ों को मिक्स करने से बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती हो तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझ रहे हो। दो चीज़ों को मिक्स करके जब हीट प्रोड्यूस होती हो, जब गर्मी पैदा होती हो और सराउंडिंग टेम्परेचर मतलब आसपास का टेम्परेचर राइज होता हो, आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता हो, गर्मी बढ़ती हो, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आगे भी हमने देखा कि भाई जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को मतलब हम लोग सिंपल भाषा में जो कहते हैं चूने को, अगर पानी में ऐड करो तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है ना, बराबर ना, वो एकदम गर्म हो जाता है, तो इसलिए वो भी एक तरह का क्या कहलाया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाया। या जैसे कोल का जलना, कोयले का जलना, तो बता वो हीट प्रोड्यूस करता है कि नहीं, तो वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
या तो फिर दूसरा एग्जांपल जो हमें पता है कि यहाँ देखें कि द राइस पोटैटोज ब्रेड वी ईट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का कि जो राइस पोटैटो ब्रेड जो भी हम खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। पेट में ये कार्बोहाइड्रेट्स जब जाते हैं ना तो ब्रोकन डाउन ये टूटते हैं और उनका ग्लूकोज बनता है। जब ना हमारे अंदर पेट में जब डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बनता है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ये फिर ग्लूकोज जो बनता है ना वो हमारी बॉडी के ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसके साथ ऐड होता है, मिक्स होता है और एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट में से बनता है ग्लूकोज हमारी बॉडी में, वो ग्लूकोज मिक्स होता है ऑक्सीजन से और वो मिक्स होके क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये पूरा रिएक्शन को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं और ये भी एक तरह का कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बराबर ना। हम जो सांस लेते हैं वो हमारी बॉडी तक जाता है, हमारे खाने के साथ मिक्स होता है और उनसे ही हमें एनर्जी भी मिलती है, ये पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाया और ये भी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उस रिएक्शन से हमारी बॉडी में एक तरह की हीट प्रोड्यूस होती है ना फिर, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो कि जिस रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती हो, जैसे यहाँ पे वो रिएक्शन सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है ग्लूकोज C6H12O6। ये केमिकल फार्मूला जो है वो ग्लूकोज की याद रखना, C6H12O6। ग्लूकोज जब 6O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है तब बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में फिर से बाहर निकल जाता है। 6H2O वाटर प्रोड्यूस करता है एंड साथ में एनर्जी, और ये रिएक्शन कैसा कहलाया, एक्सोथर्मिक, ठीक है। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद दूसरा रिएक्शन आता है तो वो आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का अपोजिट वो आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो कहलाता है कि द एंडोथर्मिक प्रोसेस एब्जॉर्ब हीट एंड कूल द सराउंडिंग। उसका अपोजिट ना, जो हीट को एब्जॉर्ब कर देता हो, जो हीट को कम कर देता हो, गर्मी कम कर देता हो और सराउंडिंग कूल करता हो, मतलब आसपास के जो है वो टेम्परेचर कम कर देता हो, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब जिस रिएक्शन से जब दो मटेरियल आपस में मिक्स करते हो, कॉम्बिनेशन करते हो और उससे जब आसपास का टेम्परेचर कम हो जाता हो, ठंडी बढ़ती हो, गर्मी कम हो जाती हो, तो ऐसा रिएक्शन कहते हैं एंडोथर्मिक, बराबर। एंडोथर्मिक के बारे में कहते हैं कि द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कंपोस्ट, पता है ना, जो वेजिटेबल मैटर जो भी जो है ये जो सब्जियां वगैरह होती हैं उनको डीकम्पोज करके कंपोस्ट बनाते हैं, नहीं वो खाद बनाते हैं, जो खातर बनाते हैं जो, तो ये भी एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उनसे हीट एब्जॉर्ब होती है, गर्मी कम होती है, आसपास का टेम्परेचर कम होता है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इन दोनों की डेफिनेशन याद रखना, एक्सोथर्मिक जिस रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती हो और एंडोथर्मिक जिस रिएक्शन से हीट कम होती हो, क्लियर। तो जैसे हमने कॉम्बिनेशन और उसके दो टाइप्स देखे ना, अब दूसरा हम लोग रिएक्शन देखें तो दूसरा रिएक्शन आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन नाम से इससे भी पता चलता है, हमने आगे जो टाइप समझा था वो था कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, जब दो मटेरियल कंबाइन करके एक नया मटेरियल बनाते हो। तो डीकम्पोजिशन उल्टा कहलाता है जब एक मटेरियल को तोड़कर दो नए मटेरियल बनाते हो, ठीक है। डीकम्पोजिशन मतलब कहलाता है जब एक मटेरियल को तोड़कर दूसरे दो नए मटेरियल बनाते हो तो उसे डीकम्पोजिशन कहते हैं। देखो डेफिनेशन, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, कोई एक सिंगल मटेरियल ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, कि जिससे उनमें से सिंपलर प्रोडक्ट दूसरे छोटे छोटे अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाते हो तो उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन का उल्टा,
तो कोई भी मटेरियल को तोड़कर या उसको अलग करके उनमें से दूसरे नए नए मटेरियल्स बनाए जाते हो तो वो डीकम्पोजिशन। लेकिन उनको तोड़ा कैसे जाता है, उनको अलग कैसे किया जाता है, बराबर ना? तोड़ेंगे कैसे, उसे अलग कैसे करेंगे, वो अगर जाने तो डीकम्पोजिशन के 3 टाइप्स हैं, या समझो 3 मेथड हैं। कोई भी मटेरियल को अगर तोड़ना हो या अलग करना हो तो उनके थ्री जो है वो ये मेथड्स आती हैं। सबसे पहला आएगा कि डीकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, मतलब गर्मी से कोई भी चीज़ को गर्म करके हम लोग जो है वो उस मटेरियल को तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, थर्मल डीकम्पोजिशन कहलाती है। कोई भी चीज़ को जो है वो ये गर्मी की वजह से उसे गर्म करके तोड़ने पर, जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, है ना, आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स देखें कि जैसे एक आता है फेरस सल्फेट, फेरस आयरन को कहते हैं, आयरन और सल्फर का मिक्सचर, वो आता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अगर हीट दी जाए, अगर उसे गर्म किया जाए, थर्मल डीकम्पोजिशन करें, तो फेरस सल्फेट में से क्या क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा, है ना। फेरस सल्फेट को तोड़ा जाए अगर, मतलब उसे गर्म किया जाए, तो देखो एक में से ही फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसमें से फेरिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। तो इसे डीकम्पोजिशन कहेंगे ना, कि एक मटेरियल को, एक मैटर को तोड़कर उसे गर्म करके उसमें से अलग करके उनमें से दूसरे मटेरियल्स जो है वो ये बनाए गए। तो ये गर्मी की वजह से अलग किया गया, हीट देकर अलग किया गया, इसलिए ये कहलाया थर्मल डीकम्पोजिशन। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल कि अगर लाइमस्टोन को अलग किया जाए तो उनमें से क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, है ना, लाइमस्टोन में से क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये भी डीकम्पोजिशन है, थर्मल डीकम्पोजिशन। वैसे ही लीड नाइट्रेट है, तो लीड नाइट्रेट को अगर हम लोग जो है वो ये डीकम्पोज करें, मतलब उसे हीट दें, तो उसमें से लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। तो ये भी एक तरह का डीकम्पोजिशन हुआ ना, ये हुआ डीकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, गर्मी की वजह से ये डीकम्पोजिशन कहलाता है, बराबर। ऐसे ही दूसरा टाइप आता है, वो आता है डीकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, कोई भी मटेरियल को अलग करना हो तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हम लोग अलग कर सकते हैं, डीकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। उस मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर मटेरियल अलग करना हो तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, जैसे कि अगर वाटर को अलग करना हो, कि वाटर को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दो, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस अगर मेथड से उसे अलग करो, तो वाटर में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों अलग कर सकते हैं। मैं पता है ना, वाटर H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से दोनों को अलग भी कर सकते हैं, ये कहलाया डीकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे ही तीसरा आता है, वो आता है डीकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट। ड्यू टू सनलाइट मतलब सनलाइट की वजह से, जो सन की रोशनी से, सन की जो धूप कहलाई या जो गर्मी कहलाई, उसकी वजह से भी मटेरियल्स को अलग कर सकते हैं। ये एक तरह का इवेपोरेशन मेथड की तरह हुआ, है ना। वो हमें पता है ना कि जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो, पानी और नमक का मिक्सचर हो, उसे आप थोड़ी देर धूप में रख दो, थोड़ी देर धूप में रख दो, तो क्या होगा उसमें, कि वो पानी पानी अलग हो जाएगा और नीचे नमक बच जाएगा, बराबर ना। तो ये इवेपोरेशन मेथड, वो भी तो एक तरह की डीकम्पोजिशन ही कहलाई ना। जिनमें से यहाँ के एग्जाम्पल देखे टेक्स्ट बुक के, कि जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को अगर आप धूप में रख दो, सनलाइट में रखो, तो उसमें से सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाता है। या वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप लोग ऐसे अलग करो तो उसमें से सिल्वर और ब्रोमाइन ये अलग हो जाता है, बराबर ना। और इनसे जो सिल्वर मिलता है, इनसे जो मटेरियल मिलता है ना, ये रिएक्शन में जो मटेरियल मिलता है उनका यूज़ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। पहले के टाइम में जैसे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स बनते थे, जो फोटोग्राफी होती थी, उनमें इन मटेरियल्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे कहते हैं, वो भी आपको समझ में आया ना, बराबर ना। तो आज हमने केमिकल रिएक्शन के ये 2 टाइप्स समझे, एक कॉम्बिनेशन और एक डीकम्पोजिशन, है ना।
और कॉम्बिनेशन के भी दो टाइप, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और डीकम्पोजिशन के भी जो है वो ये तीन टाइप्स हमने समझे, हीट के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू और सनलाइट के थ्रू। तो आज जैसे हमने जो रिएक्शन आज हमने देखे, अब इसके बाद के रिएक्शन, अगले रिएक्शन हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।